हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आइडल स्पिंडल के बारे में। अपना रिंग भ्रम में जो आइडल स्पिंडल रहता है या सिंपलेस में रहता है, आज हम रिंग भ्रम में आइडल स्पिंडल के बारे में बात करेंगे। आइडल स्पिंडल क्या है, किस कारण से होता है, उसका मतलब रिमेडी क्या है, आइडल स्पिंडल कैसे काम आए, उसके लिए क्या प्रयास रखना अपन को, सारी चीज बात करेंगे। और इसको कैसे अटेंड किया जाए या कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कारण से आइडल है, उसके बाद फिर अपन कैसे अटेंड करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आइडल स्पिंडल किसको बोलते हैं। आइडल स्पिंडल का डेफिनेशन है, इज स्पिनिंग दोज स्पिंडल्स कुड नॉट कंट्रीब्यूट एनी प्रोडक्शन कॉल्ड आइडल स्पिंडल्स। मतलब जो स्पिंडल प्रोडक्शन में कोई भागीदारी नहीं है, मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो आता है, इसको हम आइडल स्पिंडल बोलते हैं। और आइडल स्पिंडल में होता है स्पिनिंग इंडस्ट्री में स्लो पॉइजन जैसा होता है, मतलब वो आइडल स्पिंडल रहता है, सबको मालूम नहीं पड़ता और आहिस्ता आहिस्ता पूरा अपना सिस्टम को खोखला कर देता है। आइडल स्पिंडल जहर जैसा रहता है, इसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है। और आइडल स्पिंडल देखो, स्टैंडर्ड तो वैसे जीरो रखा हुआ। आइडल स्पिंडल हर मेल में बढ़िया बढ़िया ग्रुप में आइडल स्पिंडल जीरो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड दिया हुआ। लेकिन जनरली 0.1 से 0.4 तक टॉलरेबल है, 0.1 से 0.4% तक आइडल स्पिंडल रहे तो इतना बर्दाश्त होता है, उससे ज्यादा होता है तो फिर एक्शन लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ, 1 in 8 hours बाई एसक्यूसी। एसक्यूसी का जो इन्वेस्टिगेटर है, एसक्यूसी सुपरवाइजर है, वो लोग 8 घंटे में एक बार लेते हैं। और कब लेंगे उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, हो सकता है शिफ्ट चेंज में ले ले, या 1 घंटे के बाद, 2 घंटा, 4 घंटा, उनका मर्जी होगा लेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 2 in 8 hours बाई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो सुपरवाइजर लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोलता हूँ शिफ्ट चेंज का पहले 1 घंटे के अंदर, मतलब शिफ्ट चेंज जैसे आदमी वगैरह लग गया 15 मिनट का बाद शिफ्ट चेंज का, और अपना सुपरवाइजर जो है रफ कागज लेके पूरा मशीन का चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम जाएगा, कौन सा मशीन में कौन सा स्पिंडल कौन से कारण से बंद है डिटेल में लिख लेगा, वो कच्चा कागज में लिख लेगा, वो तुरंत मेमो बना के मेंटेनेंस वालों को एक कॉपी दे देगा, जो मेंटेनेंस साइड से जो अटेंड करना है वो, बाकी नेगलिजेंसी साइड जो अपने पास रखेगा जॉबर को देगा, वो लोग अटेंड करेंगे। और मेंटेनेंस वाला कौन कौन करेगा, देखो रनिंग फिटर, अस्टर फिटर, वो मेंटेनेंस साइड वाला वो सारी अटेंड करेगा। अस्टर फिटर करे, फोरमैन करे, कोई भी करे, उनको एक मेमो दे देगा और इसको ये बोल लेगा कि भाई मैं मेमो दे रहा हूँ, फिर शिफ्ट चेंज से पहले फिर दोबारा चेक करूंगा आप लोग अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसके बाद देखो साइडर, डफर, जबर, सुपरवाइजर, ये 4% का जो नाम दिया वो नेगलिजेंसी वाला आइडल। नेगलिजेंसी वाला आइडल मतलब मेंटेनेंस साइड से पूरा ओके है, मशीन में कोई बीमारी नहीं है, कोई माल खुल गया, कोई माल चालू करना बाकी है, कोई दिक्कत है हल्का फुल्का, कोई दिक्कत है उसके कारण आइडल चलता है, कारीगर ध्यान नहीं दे पाता, वो अटेंड करनी है, नेगलिजेंसी आइडल बोलते हैं। और अफेक्ट किसको करता है, देखो ओजेस पर केजी, जैसे आपके आइडल रह जाएगा ज्यादा तो आपका प्रोडक्शन कम आ जाएगा, ओजेस तो उतना ही लगेगा, कारीगर उतना लगेगा, डफर उतना लगेगा, फिटर फोरमैन सब उतना ही लगेंगे। उसके बाद देखो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नेचुरली कम हो जाएगा, आइडल चल जाएगा तो प्रोडक्शन वो स्पिंडल में आया नहीं तो प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा, सब प्रकार का प्रॉब्लम आ जाएगा। पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाएगा, आइडल चल गया लेकिन रिंग भ्रम का मोटर तो चला सब, कोई बंद थोड़ी हुआ, ह्यूमिडिटी प्लांट चला, रिटर्न फैन चला, सप्लाई फैन चला, सब चीज चला, लेकिन आइडल स्पिंडल रह गया, उसके कारण कम आ गया प्रोडक्शन तो पावर कॉस्ट बढ़ गया। अब यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। और एक चीज ध्यान रखो, आइडल स्पिंडल इसको भी बोला जाता है, जैसे समझ लो ये आपकी स्पिंडल है, आपकी इतना तक चला, आधा घंटा खाली चला, आधा घंटा जो खाली चला वो, अगर आधा घंटा आपकी खाली चला वो भी आइडल में आएगा, ऐसे नहीं कि ये आधा घंटा खाली चला फिर बाद में हम चालू कर देंगे, इतना लॉस तो हुआ ना, वो भी आइडल में आता है। तो
तो कोई भी स्पिंडल आधा घंटे से कारीगर तार नहीं लगा, मतलब आइडल चालू नहीं किया, तो इसको अपन आइडल स्पिंडल ही मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपन आइडल स्पिंडल के बारे में बता रहा है, और आइडल स्पिंडल के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ, अपना जैसे यहाँ देखो एल्यूमिनियम का क्रिल है, सिंपलेक्स में भी लगा हुआ, यहाँ से पूरा ऐसे मैंने उसका फ्लो चार्ट खींचा, मतलब रिम बिरम बॉबिन तक, तो इसी में जो जो चीज खराबी है उसी से रिलेटेड होगा आइडल स्पिंडल का। आप देख लो इसको तो बढ़िया से, तो आपको याद आ जाएगा आइडल स्पिंडल कहाँ कहाँ से पैदा होता है, कैसे इसको सही करें। यहाँ लिख दिया हमने रीजन और रिमेडी, मतलब क्या कारण से आइडल है, उसका क्या इलाज किया जाए। सबसे पहला पॉइंट देखो, स्पिंडल बोलस्टर जंप, स्पिंडल बोलस्टर कौन सा, ए वाला, वह स्पिंडल जिसके अंदर डालते हैं उसके अंदर तेल रहता है, वो बोलस्टर रहता है उस पर पूरा गर्म रहता है, स्पिंडल घूमता रहता है तेल के अंदर। अगर बोलस्टर खराब होगा तो स्पिंडल रुक रुक के चलेगा, जाम होके चलेगा, सीक बोबिन बनेगा, लो टिपे बोबिन बनेगा, कभी कभी कारीगर गुस्सा में काट देगा, बोला चलता नहीं बराबर। तो इसको सबसे बढ़िया है इस पर तेल डाल के देखिए, तेल डालने से सही हो जाता है, ठीक है, नहीं होता चेंज बोलस्टर, बोलस्टर इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब बोलस्टर खराब हो गया, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद देखो स्पिंडल बटन फ्लाई, ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल का ऊपर यहाँ जो एल्युमिनियम पोर्शन है उसका ऊपर तीन जगह देखो छोटा छोटा बटन रहता है, आग जैसा रहता है, उस पे अंदर छोटा स्प्रिंग रहता है, ऐसे दबा दोगे तो दब जाएगा, उठा दोगे उठ जाएगा, तो उसमें जब अपन एम्प्टी बॉबिन डालते हैं वो जो बटन है अंदर दब जाता है, और इसको जैसे बॉबिन को ऐसे बाहर से ढकल के रखता है अंदर से, मतलब टाइट कर करता है, ग्रिप पे देता है, अगर ये बटन तीनों गायब हो जाता है तो स्पिंडल ऐसे लूज पड़ेगा, मतलब स्पिंडल बॉबिन अगर डाल दोगे स्पिंडल में ऐसे ही गिर जाएगा, टाइट नहीं जाएगा, पूरा ऐसे गिर जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, तो ये जो बटन अगर टूट जाता है तो बटन आपको नया लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगी तो बॉबिन ऐसे हिल हिल के चलेगा, क्यों ग्रिप नहीं रहेगा, बॉबिन ऐसे वाइब्रेशन होके चलेगा, लूज रहेगा स्पिंडल में। तो स्पिंडल बटन भी बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए हम स्पिंडल बटन कहीं गायब रहता है तो इसको बीच बीच में बटनिंग कर देने से अच्छा रहता है। स्पिंडल टेप, स्पिंडल टेप का क्या होता है, देखो कभी टेप टूट गया नया टेप लगानी पड़ेगी, कभी टेप पतला हो गया, हाफ हाफ स्नैच लिखा हुआ पतला हो गया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर फुल फ्लाई उसका चलते चलते अंदर बहुत फ्लाई जमा हो गया तो उसमें क्या करना है, फ्लाई जमा होने के कारण लो टिपाई भी होगा, तो उसको अपन सबसे बढ़िया तरीका है जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश लेके स्पिंडल टेप के अंदर की साइड से चालू में ऐसे दिखा देगा, ऐसे दिखा लो कि वो टेप चलता रहता है, वो ब्रश से सब फ्लाई निकल जाएगा और फ्लाई साफ हो जाएगा, आपकी लो टिपाई का समस्या नहीं आएगा। और रनिंग स्लिपिंग फ्रॉम जैकी पुली, कभी कभी स्पिंडल टेप क्या होता है जैकी पुल से नीचे गिर के चलता है, अगर जैकी पुल से नीचे गिर के चलेगा तो स्पिंडल को बराबर स्पीड नहीं आएगा, स्पीड नहीं आएगा फिर लोड टिपाई बढ़ेगा। तो उसके बाद देखो स्पिंडल आउट, स्पिंडल आउट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पिंडल कभी कभी मतलब लूज रहता है, ऐसे हिलता है, वो हिलने से क्या होता है, वो पूरा वाइब्रेशन होके चलेगा, वाइब्रेशन होके चलेगा बहुत ज्यादा ब्रेकेज होगा, सीक बबल बनेगा, तो स्पिंडल अगर सेंटर में नहीं है इसको सेंटर में कर दीजिए ताकि स्मूथ चले मशीन। उसके बाद देखो रिंग आउट, रिंग आउट क्या होता है, जैसे अपन स्पिंडल गेज करते हैं ना उस टाइम में रिंग सेंटरिंग भी हो जाता है, तो रिंग सेंटरिंग कभी कभी आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सेंटर में नहीं रहता, तो वो कारण से क्या होता है, बार बार धागा कटेगा, रिंग कट होगा, एक साइड टच हो जाएगा धागा, तो इसीलिए कारीगर इसको काट के रख देता है, बांध देता है। तो स्पिंडल सेंटरिंग करोगी या स्पिंडल गेज करोगी तो बराबर उसका आइडल नहीं रखेगा। एबीसी रिंग आउट, ऐसे एबीसी रिंग ध्यान दीजिए, अपन डंपिंग के टाइम में कभी कभी एबीसी रिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वो होने से क्या होता है, तो एंटी बैलूनिंग जो एंटी बैलूनिंग जो है वो काम नहीं करता, बॉबे जो जो अपना स्पिनिंग एंगल से जो जो धागा आता है वैसे घूमते घूमते वो टकरा जाएगा, सेपरेटर में ब्रेकेज करेगा, तो एबीसी रिंग अगर टच टच करेगा तो ब्रेकेज करेगा,
एबीसी रिंग आउट होगा तो रिंग टच जैसा हो जाएगा, मतलब एबीसी रिंग टच होके धागा कट जाएगा, वाइंडिंग वाला फिर इसको वापस कर देगा। फ्लाई कैचर्स क्या होता है, सेटिंग फुल लूज और टाइट सेटिंग, अगर पूरा ढीला रहेगा या पूरा टाइट रहेगा दोनों ही अपने लिए खराब है, इसको टाइट करके रखिएगा। वो सारी चीज मैंने यहाँ देख दिया हुआ, देख लीजिए, ये हो गया पोलिस्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया स्पिंडल टेप, ये हो गया स्पिंडल, उसके बाद ये हो गया बॉबिन, ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया रिंग, एबीसी रिंग, रिंग ट्रबलर, और इसमें आ गया फ्लाई कैचर, लैपेट हुक, ये टॉप रोलर फ्रंट का, ये फ्रंट का है, ये मिडिल रोलर एरिया, बैक रोलर एरिया, रोबिंग गाइड, ये होल्डर, ये सब मैंने इसको इसीलिए लिखवाया आपको ताकि आपको ध्यान रहे। अपन नीचे से जाएंगे ना, क्या क्या पॉइंट के ऊपर अपना आइडिया रहता है आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी हम गए थे एबीसी रिंग तक, फ्लाई कैचर तक हो गया, अच्छा रिंग ट्रैवलर, रिंग ट्रैवलर देखियो, फ्लाई अप रिंग ट्रैवलर, लोडिंग एंड रिंग ट्रैवलर, फ्लाई अप रिंग ट्रैवलर, रिंग ट्रैवलर कभी कभी फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है चलते चलते, तो इसमें कारीगर क्या करेगा, एक आध छल्ला अपनी जेब में रखेगा, फिर वापस डाल के इसको चालू करेगा, और कभी कभी लोडिंग हो जाता है रिंग ट्रैवलर, रिंग ट्रैवलर लोडिंग का एक ही कारण है, रिंग ट्रैवलर कट जाता है शेड्यूल से ज्यादा ओवर हो गया तो लोडिंग होगा, लोडिंग होगा उसमें फ्लाई चिपक चिपक के गोला जैसा बन जाएगा, वो धागे के साथ पास करेगा, फिर अपना वो क्लच मैट फॉल्ट वगैरह बढ़ाता है। तो इसीलिए रिंग ट्रैवलर जब लोडिंग होना चालू हो जाता है सबसे बेहतर है, शेड्यूल देख लीजिए कितना दिन छल्ला हुआ, अगर एक आध दिन पहले भी अगर लोडिंग हो गया इसको पूरा पूरा रिंग ट्रैवलर चेंज कर देगा। उसके बाद देखिए लैपेड हुक, लैपेड हुक जो होता है, अगर लैपेड हुक चलते चलते धागा उसमें रोज चलता रहता है वो कट जाता है, वर्न आउट हो जाता है, उसको वर्न आउट हुआ वो चेंज कर दो, या अगर सेंटर में नहीं है बिल्कुल स्पिंडल का ऊपर नहीं है तो वो भी मतलब सेंटरिंग करवा दो, नहीं तो ब्रेकेज उसका बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना फ्रंट रोल लैपिंग, फ्रंट रोल लैपिंग क्या कारण से होता है, जिसके कारण आइडल हो जाता है, वो इलाज करा देंगे तो लैपिंग होगा नहीं, आइडल रहेगा नहीं। लिक्विड मिक्स कार्ड्स, कार्ड्स अपना अगर सिंथेटिक चलता है लिक्विड मिक्स वाला कार्ड्स लगाए ताकि लैपिंग ना हो। सक्शन ट्यूब वॉशिंग, सक्शन ट्यूब जिसका अंदर रिप वे में ब्रेकेज होने के बाद न्यूमोफिलिक अंदर वेस्ट जाता है, वो सक्शन ट्यूब अगर अंदर से वॉशिंग करोगी, सर्फ पाउडर से सुखाओगे तब उसमें चिकनाहट रहेगा और मटेरियल घुसते ही अंदर पंखा के अंदर चला जाएगा, वो भी आइडल का ये नहीं तो उसमें चिपक जाता है मटेरियल और आइडल कर देते हैं लड़के। कार्ड्स कट मार्का या प्रेस्ड कार्ड्स टू रिप्लेस, जो जोड़ा कटा होगा इसको तुरंत चेंज करना, प्रेस होगा भी चेंज करना, नहीं तो बॉबिंग करके देना। उसके बाद देखिए टॉप आर्म साइडेड, जो टॉप आर्म होता है दोनों साइड में से ये टॉप रोलर रहता है, क्रेडल रहता है, आगे का पीछे का रोलर रहता है, टॉप आर्म कभी कभी दबाते आप देखना एक साइड में हो जाता है, वो क्या पीछे का पिन अगर टाइट नहीं रहेगा सेंटरिंग नहीं रहता, तो सेंटरिंग करना जरूरी है, सेंटरिंग नहीं करोगे साइड होके चलेगा तो धागा बाहर निकल जाएगा और ब्रेकेज होगा, कारीगर इसको आइडल कर देगा। कार्ड्स डैमेज या प्रेस्ड, वही बात है, कार्ड्स कोई डैमेज होगा या कटा होगा या प्रेस होगा या जाम होगा, इसको तुरंत रिप्लेस करो या बफिंग करके दो। होल ऑन बटम टॉप अपर एंड ब्रोकेन, ब्रोकेन मतलब टॉप अपर बटम अपर जो होता है कभी कभी चलते चलते पुराना हो जाता है, छेद हो जाता है, या मतलब स्किप्ड अपर है तो जॉइंट आधा टेढ़ा हो गया, वो रुक रुक के चलता है, वो अपरन कभी कभी कट गया तो नया अपरन डाल देना या रिप्लेस करना, कुल मिलाकर इसको सही रखना पड़ेगा। आर्बर और क्रेडल जाम, देखो दो आर्बर पीछे रहता है, क्रेडल में भी एक रहता है, तीन आर्बर में अगर टाइमली ग्रीज नहीं लगा होगी वो जाम चलेगा, जाम चलेगा तो स्पिंडल में बार बार ब्रेकेज होगा, वो कारीगर इसको काट देगा, कारीगर कोई जानबूझकर आइडल नहीं करता, अगर खराब चलता है या प्रॉब्लम है वो काट देगा। उसके बाद देखो बटम रोल बेयरिंग ब्रोकन और जाम, बटम रोल बेयरिंग अगर और टूट गया बटम रोल ऐसे हिल हिल के चलेगा, हिल
हिल के चलेगा तो आइडल चलेगा, तो इसको तुरंत इसको मेंटेनेंस वाला को बोल के इसका बेयरिंग लगवाए या बेयरिंग में नेडल वाला पोर्शन जो डाले ताकि सही कर दे ताकि आइडल ना जले। उसके बाद देखो बटन अपरन साइड, वही बटन अपरन जो साइड होता है क्यों होता है, जैसे टेंशन पुली आपकी साइड होके बेंड होके चलता है बटन अपरन का टेंशन पुली, या आपके लोज बार होता है वो कहीं आड़ा टेढ़ा लगा हुआ तो बटन अपरन तो साइड होके चलेगा, साइड होके चलेगा तो इसको आइडल में आइडल हो जाता है। स्पेशल मिसिंग, स्पेशल अगर क्रेडल से गिर गया या है नहीं तो इसको सही साइज का स्पेशल लगाएगा जो सारी स्पिंडल में लगा हुआ ताकि वो आइडल ला रहे। लो टिपे के लिए क्लीन स्पिंडल ब्रेक साफ करना और हार्डवेस्ट जो स्पिंडल का ऊपर होता है वो साफ करना है। वो चेक लूज या सीक टेप, वो टेप जो स्पिंडल टेप जो पतला होता है या लूज होता है इसको तोड़ के नया लगाना, तब जाके लो टिपे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। रोबिंग गाइड आउट, पुट रोबिंग गाइड, अगर रोबिंग गाइड नहीं है रोबिंग गाइड लगाइए। ये सब के अलावा देखो और अपना ये फ्लो चार्ट के हिसाब से एक बॉबिन होल्डर रहा, बॉबिन होल्डर अगर गुम हो गया टूट गया या बॉबिन लगा नहीं तो आइडल रहेगा, इसको ढूंढ के बताना तो आप लोग का काम है। ये आपकी पूरा नीचे से ऊपर तक का बता दिया, लेकिन एक चीज बोलना मैं चाहता हूँ, जैसे प्रोडक्शन का आइडल है ये तो हो गया मेंटेनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन का आइडल है जो नेग्लिजेंसी के कारण है उसमें क्या कारीगर हमेशा जानबूझकर आइटम रखेगा, इसको सही करने के लिए शुरू का 2 घंटा जॉबर हेल्पर सुपरवाइजर लगे रहेंगे, लास्ट में 2 घंटा जॉबर हेल्पर सुपरवाइजर लगे रहेंगे। हर एक कारीगर को टाइट करके उसको अटेंड करना जरूरी है, कहीं कारीगर कमजोर है इसको मदद करना, लेकिन नेग्लिजेंसी वाला स्पिंडल अटेंड करना जरूरी है। जितना आइडल स्पिंडल कम रहेगा मिल का उतना ग्रोथ होगा। तो ये रहा पूरा पूरा आइडल स्पिंडल का ऊपर पूरा टॉपिक है, मेरे को उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और मेरा वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अगर आप नए हो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।